हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बेंगलुरु में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मॉनसून आ गया है, रोज रिमझिम रिमझिम बारिश और एकदम ठंडा वेदर हो गया है, एंड इसीलिए हम निकल पड़े गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड खाने। नीलाद्री रोड एक बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस स्ट्रीट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन से रेस्टोरेंट्स, फ्रॉम क्लोथिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम्स, बहुत सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगी। ये स्ट्रीट इतनी पॉपुलर है कि यहाँ पे आपको हर दूसरा फेस जोमेटो एंड स्विगी से दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ का खाना इन एंड अराउंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिलीवर होता है। एंड हम यहाँ का स्ट्रीट फूड कवर करेंगे आज। सो द फर्स्ट प्लेस वी आर गोइंग टू इज लैमोला पिज्जा। तो यहाँ पे वुड फायर्ड पिज्जा मिलते हैं। मैंने ज़्यादातर वुड फायर्ड पिज्जा बड़े रेस्टोरेंट्स में या फिर जो मीडियम साइज के रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे ये सेटअप देखा था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, क्यूट सा छोटा सा इन्होंने रेस्टोरेंट खोल रखा है एज अ स्ट्रीट फूड। एंड ये देखिए, दिस इज़ द वुड फायर ओवन, इसी में वुड फायर्ड पिज्ज़ा बनाया जाएगा। कपल ऑफ ऑप्शंस इन वुड फायर्ड पिज्ज़ा हमने ऑर्डर किया है, एमोला फार्मर्स लैंड, एंड यहाँ पे पास्ता भी मिलता है, नाचोज हैं, कॉइन पिज्ज़ा है। गाइस, हमारा पिज्ज़ा बन के आ चुका है। सॉरी फॉर द नॉइज़, एकदम रोड पे है ये शॉप, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी बाहर से। एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। कैन यू सी द चीज पुल, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। इन्होंने ओरिगनो एंड चिली फ्लेक्स से भी अच्छे से टॉप कर दिया है पिज्ज़ा बनने के बाद। वुड फायर्ड पिज्ज़ा होता है, उनका बेस काफ़ी पतला होता है गाइस। ये डोमिनोज एंड पिज्ज़ा हट में जो बेस मिलते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। Now, I'm going to take the first bite. Wow. Veggies का taste बहुत अच्छा है, cheese काफ़ी डाला गया है, cheese pull बहुत अच्छा आ रहा है। बस मुझे थोड़ा जो pizza sauce है ना वो थोड़ा कम लग रहा है इसमें, वो जो wood fire वाला taste है ना वो आ रहा है इसमें। ये एजेस जो दिख रहा है ना आपको, वो काफ़ी क्रंची है, अच्छे से पक गया है ये। एंड वेजीज तो अलग ही कमाल कर रहे हैं गाइस। लुक एट दिस, लुक एट द चीज़, चीज़ फुल। अगर डोमिनोज एंड पिज्ज़ा हट के पिज्ज़ा से आप बोर हो चुके हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गिव दिस वन अ ट्राई। एक ही वीडियो शूट कर पाए हैं, एंड ये देखिए बारिश इतनी तेज़ हो गई है यहाँ पे। We'll wait for the rain to stop and then explore other places as well. गाइज, नेक्स्ट हम आ गए हैं एक स्वीट्स एंड स्नैक शॉप में, जिसका नाम है जस्ट फ्रेश पॉइंट। ये नीलाद्री रोड में बहुत फेमस है फॉर इट्स नॉर्थ इंडियन स्वीट्स, स्नैक्स, चाट्स आइटम्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं अपेरेंटली। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है एक समोसा, कचौड़ी ख़त्म हो गई थी नहीं तो कचौड़ी ट्राई करने वाले थे, जलेबी, यहाँ की जलेबी जो है वो प्योर घी में बनती है, सारे स्वीट्स भी प्योर घी में ही बनते हैं, एंड हमने ऑर्डर किया है एक रसगुल्ला। सबसे पहले समोसा ट्राई करेंगे। समोसा का साइज देखिए काफ़ी बड़ा है, ये देखिए बाहर से काफ़ी खस्ता लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है। लेट मी ब्रेक इन टू दिस। वाओ, ये देखिए मसाला, आलू का मसाला बहुत बढ़िया दिख रहा है इसमें, मुझे दिख रही है धनिया पत्ता, खड़ी धनिया भी दिख रही है, मिर्ची दिख रही है, मटर दिख रही है, काला जीरा दिख रहा है, काफ़ी सारा मसाले में जो आलू की स्टफिंग है, आलू को अच्छे से मसाले में फ्राई किया गया है ऐसा दिख रहा है इसमें। एंड समोसे के साथ दो चटनी दी गई थी जो समोसा अब्जॉर्ब कर चुका है, तो मीठी चटनी तो ऑलरेडी लगी हुई है। मैं समोसे को ट्राई करूँगी ग्रीन चटनी के साथ। hmm.
सच में नॉर्थ इंडिया की याद आ गई। वहाँ पे जैसे समोसे मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है इसका। आउटर जो कवरिंग है वो एकदम खस्ता है, जो मसाला है ना अंदर का वो थोड़ा खट्टा है, तो आई थिंक आमचूर का यूज़ किया गया है इसमें। मैं सिर्फ इसका आउटर कवरिंग खा के देती हूँ, क्योंकि आलू से ज़्यादा मुझे बाहर का कवरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। टोटली लव दिस वन गाइस। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी जलेबी। एज आई टोल्ड, यहाँ की जलेबी जो है वो प्योर घी में बनती है। ये एकदम गर्मा गर्म निकाली है इन्होंने अभी, तो इसको खा के देखते हैं कैसी है। माय गॉड, वाओ वाओ, जलेबी तो लाजवाब है गाइस, ट्रस्ट मी। घी का टेस्ट सच में बहुत अच्छा आ रहा है इसमें, क्रिस्पी है, क्रंची है, ज़्यादा मीठा नहीं है। कोई कोई जलेबी बहुत ज़्यादा मीठी होती है, जो मीठापन है इसका एकदम स्पॉट ऑन है। रिदम को भी काफ़ी अच्छी लग रही है, वो तब से जलेबी खाए जा रही है क्योंकि उसको इतनी पसंद आई है जलेबी। टू गुड गाइस। नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश, रसगुल्ला। ये जो छेने की मिठाई है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मिठाइयों में, एंड ये वाला तो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। ये मुझे कहीं पे भी दिख जाए मैं ट्राई करती हूँ। अब इसको यहाँ पे खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे ठंडी है काफ़ी, जो शुगर सिरप है इसका काफ़ी ठंडा है, एंड मुझे ठंडा रसगुल्ला बहुत पसंद है। सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, जब मैं इसको बाइट कर रही हूँ तो छेने का प्रॉपर टेस्ट आता है, बहुत अच्छे से आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और खा के देखूँगी। वाओ, अब हम नेक्स्ट आ गए हैं दार्जिलिंग डम्पलिंग सेंटर करके जगह है। यहाँ पे मोमोज एंड चाइनीज़ आइटम्स जैसे नूडल्स, फ्राइड राइस, ये सब बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे हम मोमोज ट्राई करने वाले हैं। तो हमारे मोमोज आ चुके हैं गाइस। मैंने हाफ चिकन मोमोज लिए हैं एंड हाफ पनीर मोमोज। ये 4 pieces ऑफ चिकन है एंड 4 pieces ऑफ पनीर मोमोज हैं यहाँ पे। मोमोज के साथ दी गई है एक रेड चटनी एंड मेयो भी दिया गया है यहाँ पे। पनीर मोमोज पहले देख लेते हैं अंदर से कैसा दिख रहा है। ये देखिए पनीर की पीसेस हैं काफ़ी सारी यहाँ पे, कैबेज, अनियन, कैरेट, कोरिएंडर लीव्स, पेपर, ये सब दिख रहा है मुझे। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। आई एम गोना टेस्ट दिस विद द रेड चटनी, रेड टमेटो चटनी। जो टमेटो चटनी दी है इन्होंने काफ़ी सॉल्टी है एक्चुअली, तो सॉल्ट ज़्यादा है मुझे ज़्यादा लग रहा है, नॉट श्योर, काफ़ी सॉल्टी है। इट्स वेरी गार्लिकी, टैंगी, बहुत सावर है बिकॉज ऑफ द टमेटोज। अच्छा टेस्ट है चटनी का। नाउ चिकन मोमोज देखते हैं अंदर से कैसा है। स्टफिंग अच्छी दिख रही है काफ़ी चिकन की। मैंने ट्राई दैट चिकन मोमो विथ सम रेड चटनी। तो गाइस नेक्स्ट हम आ गए हैं मुंबई चौपाटी चाट्स एंड मोर। ये जो दार्जिलिंग मोमोज अभी खाए हैं हमने, एकदम उसके बगल में ही ये शॉप है। यहाँ पे मुंबई के स्नैक्स मिलते हैं एंड ऑल्सो लोकल चाट्स भी मिलती है। तो गाइस ये रहा मसाला पूरी, ये बेंगलुरु का लोकल चाट है। जो मसाला पूरी होता है उस वो ना एक ग्रेवी टाइप का चाट होता है, मटर की एक ग्रेवी बनाई जाती है विद मसाला, फिर उसके ऊपर चटनियाँ डाली जाती हैं, रेड एंड ग्रीन चटनी, फिर अनियंस, टमाटर, फिर नमकीन, ये सब डाल के एक ऐसे पतला सा एक चाट बनता है। तो चलिए मसाला पूरी खाते हैं। इसमें ना गरम मसाले का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, अनियन से क्रंच आ रहा है, बहुत सारी नमकीन डाली गई है ऊपर से, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। थोड़ा तीखा है, आई थिंक इट देयर इज रेड चिलीज एज वेल एज ग्रीन चिलीज इन दिस। ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत अच्छा है।
तो गाइस मुंबई चौपाटी नाम है, तो बिना वड़ा पाव टेस्ट किया तो कैसे चल सकता है। तो ये रहा वड़ा पाव, ये एक पीस दिया है इन्होंने। जो पाव है उसको अच्छे से ये देखिए बटर में सेका गया है, एंड एक आलू का वड़ा रखा गया है। देन आई कैन सी द गार्लिक वाली चटनी जो आती है इनकी, ये है। देन अनियंस डाला गया है इसमें, एंड इसके बिना तो वड़ा पाव पूरा कैसे होगा। तो देखते हैं मुंबई जैसा वड़ा पाव है कि नहीं। एक्चुअली गुड। मुंबई में मैंने खाया हुआ है पहले वड़ा पाव, इसका टेस्ट समवट उसी जैसे सिमिलर है। जो इसका ये वड़ा है ना, ये काफ़ी गर्म है, अभी जस्ट बनाया ही गया है। ऐसे गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। आज के स्ट्रीट फूड का सफ़र यहीं ख़त्म करेंगे। मौसम हो रहा है एकदम सुहाना, एंड तंदूरी चाय ले ली है मैंने, एकदम बढ़िया चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आज के ब्लॉग को एंड करेंगे यहीं पे हम। हाँ, तंदूरी चाय के इन्होंने एक कुल्हड़ में दिया हुआ है, एंड वो जो स्मोकी, वो जो तंदूर वाला फ्लेवर है वो चाय में बहुत अच्छे से आ रही है। ज़्यादा मीठी नहीं है ये, जस्ट द वे आई लाइक इट। एंड एकदम गर्मा गर्म है, ठंड भी लग रही है अब थोड़ी थोड़ी सी, तो ये पीने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड मैं आपसे मिलूंगी जल्द विद अनदर फूड रिलेटेड वीडियो। एंड टिल देन बाय।